सभी बच्चों का स्वागत है इस सेशन में। और मतलब एक अगर हम कहें एक नई अपॉर्चुनिटी, और मतलब खासकर मैं उन बच्चों की ज़रूर बात करना चाहूँगा इस सेशन में कि जिन्होंने पूरा साल बहुत मेहनत करी, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम क्लियर करे, मेंस का एग्ज़ाम दिया, क्लर्क में तो इंटरव्यू नहीं होता बट फिर इंटरव्यू भी दिया पीओ में, एंड कल ही रिजल्ट्स आए हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऑब्वियसली सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ का हुआ है, कंग्रेचुलेशंस टू देम, एंड जिनका नहीं हो पाया है ठीक है, मतलब अगेन यू हैव टू लर्न कि आपसे क्या कहाँ कमी है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो हमारे इनसे भी कोई ना कोई कमी होगी जो अभी भी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। बट एक प्लस पॉइंट आपको ये सीखना है कि एटलीस्ट आप फाइनल रेस में थे, यू आर देयर इन दैट द फाइनल ग्रुप ऑफ फाइनल सेट ऑफ पीपल जो कम्पीट कर रहे थे फॉर द गवर्नमेंट जॉब, एंड यही चीज आपको आगे करती है। कल जब हम रात को नोटिफिकेशन भी डिस्कस कर रहे थे एंड आप सबको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एसबीआई पीओ 2019, इसका फॉर्म रिलीज हो चुका है, एंड कल जब हम नोटिफिकेशन भी रिलीज कर रहे थे तो हम क्लियरली हमारा भी यही पॉइंट हमारा सबसे पहले था कि जिन बच्चों का दो नंबर से, एक नंबर से, 0.25 से, 0.1 से रह गए, उनके लिए एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, दैट इज द एसबीआई। एंड देन द प्लस पॉइंट इज दैट उन्होंने सारे फेजेस ऑलरेडी दिए हुए, उन्होंने प्रीलिम्स दिया हुआ है, मेंस दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव भी दिया हुआ है, इंटरव्यू भी दिया हुआ है, और यही सब चीजें एसबीआई पीओ में आती है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एंड फॉर द एसबीआई पीओ 2019। तो सब बच्चों को पता है बच्चों कि एसबीआई का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म या अप्लाई ऑनलाइन अगर मैं बोलूं तो अप्लाई ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों में शेयर करना चाहता हूँ ये है कि जून में जो है इसका प्री है और जुलाई में इसका मेंस है, मतलब आई गेस 20 जुलाई को मेंस है और 7, 8, 15 और 16 जून को प्रीलिम्स है। मतलब तो जून प्री और मेंस में भी अगर आप देखोगे तो हार्डली एक महीने का आपके पास डिफरेंस होगा। तो जैसे अब आप लोग ऑब्वियसली आज आप लोग सब सोच रहे होंगे कि कैसे शुरू करना है, क्या क्या करना है, तो एक जो हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज नॉट फ्रॉम मी बट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ अड्डा 24/7 इज दैट, क्या अगर प्रिपरेशन करो ना तो पूरी एसबीआई पीओ की करना। ऐसा नहीं कि नहीं सर हमने प्री की तो कर ली बट मेंस में नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको एसबीआई पीओ की जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको सब चीज़ें कवर करनी है, मतलब आपको प्री भी कवर करना है, आपको मेंस भी कवर करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी कवर करना है, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज भी आपको कवर करनी है, और आपको इंटरव्यू भी कवर करना है, मतलब ओवरऑल आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सिलेबस। तो जैसे हमें पता है कि जो एसबीआई का एग्जाम है वो प्री और मेंस में डिवाइडेड है बच्चों, तो ये सबसे पहले हमारे सामने आता है द प्री के सिलेबस। अगेन मज़ाद एन सिलेबस में इसको अगेन मैं बोलूंगा इसको द इम्पॉर्टेंट या मस्ट डू टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, और एक और मैं यहीं पे शेयर करना चाहूँगा, कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एसबीआई तो आप मेल करिएगा @adda247.com। और एक और मैं अच्छी जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ये हमारा ऑलरेडी स्टडी प्लान चल रहा था यार, स्टडी प्लान एसबीआई का ऑलरेडी चालू है, फेब्रवरी से चालू है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को नहीं मिला होगा क्योंकि आपने आज से शुरू करा है, तो आप मुझे मेल करिएगा, मैं इसका जो लिंक है ना पूरा जहाँ जहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी मेल आई डी है, डू शेयर मी फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सिलेबस देखते हैं बच्चों। तो रीजनिंग अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टैबुलेशन, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग। बच्चों ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। अगर हम बात करें तो इसमें आप इनपुट आउटपुट को अगर आप हटाना चाहो आप हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक बार को इवन टैबुलेशन, ये एक्चुअली ये कि पजल्स के हमने पार्ट्स यहाँ पे दे दिए, पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट के, इनइक्वालिटीज तो करना ही करना है, डीएस भी आप एक बार को हटा सकते हो क्योंकि प्रीलिम्स में हम नहीं देखते, बट बाकी के आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग भी एक बार को आप जो है क्योंकि मेंस का पार्ट है। क्वांट की अगर हम बात करें बच्चों तो सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क इन टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन का बेसिक मैं बता दूं आपको करना है, डीआई करना है, डीआई के सारे टाइप्स आपको करने हैं, अरिथमेटिक आपको करना है, फिर इसके अलावा आपको मिसिंग डीआई करना है, पाई चार्ट करना है, टैबुलर करना है, कैलकुलेट करना है, रेशियो
परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगेन अगर आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप छोड़ सकते हो क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। देन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम सबको पता है रीडिंग कॉम्बिनेशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्ड वोकैब, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल एरर्स या एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस्ड फिलर्स जो कि नया पैटर्न है, वर्ड यूजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और स्पेशली जब हम SBI की बात करते हैं, किसी बैंक एग्जाम्स की बात करते हैं, तो बच्चों आपको रीडिंग पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो ये बेसिक टू मॉडरेट लेवल होगा फॉर प्रीलिम्स। बट अगेन जो हमने आपको बोला है कि आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो होना चाहिए मेंस के लिए, और मेंस में आप देख सकते हो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है, वर्बल रीजनिंग, सिलॉक्स, सर्कुलर, ध्यान रखना बच्चों सिलॉक्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, स्केड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेज। इसमें ध्यान रखना कि ये हाई लेवल आता है इन द मेंस। ऑर्डर रैंकिंग, डीएस इंपॉर्टेंट है, पांच नंबर आते ही आते हैं, पांच क्वेश्चन आते जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग। ये बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द रीजनिंग। इसके अलावा DI की अगर हम बात करें तो टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, रडार, मिसिंग DI, लेटेड केस DI, डेटा सफिशियंसी, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर्स, वोकैब, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जम्बल, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम बेस्ड सेंटेंस, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड फ्यूज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बच्चों अगेन जैसे मैं बोलता हूँ दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द SBI। इनसे रिलेटेड सारा कॉन्टेंट, इनसे रिलेटेड सारा फ्री कॉन्टेंट, फ्री थ्योरी अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? आपके अपने bankazadda.com पे। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कोई भी डाउट है तो gopal.anand@adda247.com पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों ऑब्वियसली आपको जो फोकस करना है हमेशा एक रहता है कि यार आपको प्रैक्टिस पे तो फोकस करना ही है। और बच्चों प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज, बुक्स भी देख सकते हो, बुक्स भी हमारे पास, पर हमने टेस्ट सीरीज, हमने पैकेजेस जो हमने लॉन्च कर दिए हैं बच्चों SBI PO। तो क्या क्या पैकेजेस हैं एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं, फिर वील एंड अप दिस वीडियो। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने लॉन्च कर दिया SBI PO का प्राइम, जिसमें बच्चों आपको मिलेंगे 85 से ज्यादा टेस्ट, 30 फुल लेंथ मॉक्स हैं, 7 प्रीवियस ईयर पेपर है, 30 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट है, 20 टॉपिक वाइज टेस्ट है, और इसमें है ई बुक्स, सारे एग्जाम्स की डिटेल है, डिटेल्स कहाँ पे है, store.adda247.com, ठीक है। और अगेन अगर कोई डाउट है तो मेल करो gopal.anand@adda247.com। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें तो हिंदी में चाहिए, तो बच्चों पहली बार हमने SBI PO प्राइम जो है वो हिंदी में भी लॉन्च करा है, पूरा का पूरा हिंदी में पैकेज है, सेम फुल लेंथ मॉक्स है, प्रीवियस पेपर है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, और ई बुक्स भी इसमें हम हिंदी में दे रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की जो होके वो इंग्लिश में जाएगी। और इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करना चाहते हैं, बच्चों प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है, SBI PO प्रीलिम्स 2019 वीडियो सॉल्यूशंस। अगेन आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है store.adda247.com, ठीक है बच्चों। तो ये टेस्ट सीरीज हमने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट सिलेबस है जिसको हमने आपको बता दिया कि कहाँ अवेलेबल है, ये bankazadda.com पे अवेलेबल है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो भाई ये है मेरी मेल ID। ऑल द बेस्ट, एंड SBI एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिस नहीं करनी है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।